वो आपने पढ़ा होगा फार्मास में या फिर आप इंस्ट्रोमेंटल एनालिसिस की बात कर लीजिए फोर्थ ईयर स्टूडेंट के लिए जिसमें कि आपका एक पूरा का टॉपिक जो है मिलेगा आपको वैलिडेशन ऑफ एनालिटिकल मैथड प्रोसीजर के बारे में और प्रीवियसली अगर आप पेपर एग्जाम पेपर भी देखेंगे तो ये टॉपिक जो है इसमें से आपको एट मार्क्स का क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा चलिए तो इसके बारे में हम जानेंगे तो सबसे पहले वैलिडेशन ऑफ एनालिटिकल मेथड की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए वैलिडेशन क्या है देखिए वैलिडेशन का मतलब यह है किसी भी क्वालिटी प्रोडक्ट को हम एश्योरिटी देते हैं एश्योर हो जाते हैं कि ये जो प्रोडक्ट मैंने बनाया है वो क्वालिटी कंट्रोल के ड्यूरिंग बना है एंड क्वालिटी इसकी जो है एश्योरेंस है क्वालिटी इसकी बहुत ही अच्छी बनी है तो उसको मेरे को एक ऐसे पैरामीटर फॉलो करने पड़ते हैं उसको वैलिडेट करना पड़ता है इन द फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंटेशन इन द फॉर्म ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस द सिस्टम की जो सिस्टम या प्रोसीजर या मेथड मैं फॉलो कर रहा हूँ वो वैलिडेट जो है उसके क्राइटेरिया वो मैंने पूरे कर दिए हैं और वो सिस्टम जो है वो मेथड जो है वो मेरा वो एक्यूरेट है क्वालिटी वाइज गुड है ओके सो तो जानते हैं देखिए फर्स्ट ऑफ़ ऑल पे देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ वैलिडेशन वाई वैलिडेशन वैलिडेशन क्यों करते हैं तो फर्स्ट जो पॉइंट आता है वो है फॉर एश्योरेंस द क्वालिटी ऑफ सिस्टम मतलब किसी भी सिस्टम की क्वालिटी को एश्योर होने के लिए हम वैलिडेशन करते हैं उस प्रोसेस का उस मेथड का या फिर कोई चाहे वो क्लिनिंग मेथड हो या फिर एनालिटिकल मेथड हो तो वैलिडेशन का मतलब है एश्योरेंस ऑफ द क्वालिटी ऑफ सिस्टम मतलब जो सिस्टम हमने बनाया है जिसमें हमने क्वालिटी किसी प्रोडक्ट की क्वालिटी हमने मेंटेन की है तो वो जो क्वालिटी है वो गुड है ये एश्योरेंस होने के लिए हम वैलिडेशन जो है वो परफॉर्म करते हैं सेकेंड पॉइंट देखिए फॉर अचीविंग द एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रोडक्ट इट मीन्स वॉट जब हमको ये पता चल जाएगा कि हमारा प्रोडक्ट जो है वो क्वालिटी वाइज बिल्कुल गुड है बहु, बिल्कुल बहुत ही अच्छा है देन वैलिडेशन का परफॉर्मेंस का मतलब यही है दैट्स वाई वी आर एश्योर वी आर अचीविंग द एक्सेप्टेंस ऑफ प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है इस प्रोडक्ट को हम एक्सेप्टेशन मतलब इसको सिस्टम में लाने के लिए रेडी है नेक्स्ट सी पॉइंट देखिए मैंडेटरी रिक्वायरमेंट फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ एनी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट किसी भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को आप रजिस्ट्रेशन uh, रिक्वायरमेंट जो मान लीजिए तो उसमें आपको किसी भी प्रोसेस प्रोसेस मेथड है उसका वैलिडेशन करना पड़ेगा कोई एनालिटिकल मेथड है उसका आपको वैलिडेशन करना पड़ेगा एज पर द रजिस्ट्रेशन गाइडलाइन के अकॉर्डिंग गाइडलाइन के अकॉर्डिंग आपको मैंडेटरी है रजिस्ट्रेशन करने के लिए किसी भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट का प्रोसेस एनालिटिकल प्रोसेस उसका वैलिडेशन करना जरूरी है नेक्स्ट बात करते हैं मैंडेटरी रिक्वायरमेंट फॉर परपज फॉर द एक्डेशन ऑफ आई एस यू गाइडलाइन यस, इट इज इम्पोर्टेंट। अगर किसी आप सर्टिफिकेशन कंपनी में काम कर रहे हैं वहाँ पर आपने देखा होगा आई एस यू गाइडलाइन में फिक्स फिक्स मैंसन है कि किसी भी एनालिटिकल मैथड को आप परफॉर्म करते हैं उसको वैलिडेट करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है ओके वैलिडेशन मीन्स आपको एश्योर होना पड़ेगा कि जो प्रोडक्ट आप बना रहे हैं जिसकी प्रोडक्ट की क्वालिटी कंट्रोल एक है देट्स वाई वो सिस्टम में एक्सेप्टेशन के लिए रेडी है एज पर गाइडलाइन भी आपको वैलिडेशन परफॉर्म करना बहुत जरूरी है देन देखिए सर्च वैलिडेशन मैथड आर ओनली अंडरटेकन द टेस्टिंग ऑफ एंड ऑफ द इंस्ट्रूमेंट ऑफ देखिए डेवलपमेंट मैथड एंड वैलिडेशन ऑफ मैथड दो डिफरेंट चीज है नेक्स्ट हम बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ मैथड वैलिडेशन की द प्रोसेस प्रोवाइडिंग दैट एनालिटिकल प्रोसीजर एक्सेप्टेंस इन द इंटेंस यूज इसका मतलब यह है देखिए हम अब आज बात कर रहे हैं एनालिटिकल मैथड वैलिडेशन की इट मीनस वॉट कि सर एनालिटिकल मैथड का मतलब यह है किसी भी ड्रग का हम एनालिसिस करते हैं या फिर तो वो टाइट्रेशन की हेल्प से कर रहे हैं या फिर किसी इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से करते हैं या फिर हम यूवी के सिंपल ले एग्जांपल ले लेते हैं कि यूवी का सर हम पैरासिटोमोल टेबलेट का यूवी पे एब्जॉर्बेंस चेक कर रहे हैं या मैक्स चेक कर रहे हैं तो उसके लिए हमें एक प्रॉपर मैथड की जरूरत पड़ेगी मैथड इन द दॉट कि हमको कितना सैंपल वे करना है किस सॉल्वेंट में उसको डिजॉल्व करना है कितना एम तक अपन को वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में लेना है कितना डाइल्यूशन करना है देन उसको क्या क्या क्राइटेरिया है वो फिक्स करके फिर हम उसको एनालिसिस परफॉर्म करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा ये एक मैंने मेथड सेट किया अब इस मेथड को मेरे को वैलिडेट करना पड़ेगा कि जो मैंने मेथड बनाया है वो में एकदम सिस्टमेटिकली बहुत ही सही बनाए वैलिडेट करूंगा तभी तो उसका पता चलेगा कि वो मेथड जो है वो रबस्ट कितना है इट मीन्स वॉट कि आज वो मैं मेथड परफॉर्म कर रहा हूँ आज मुझे रिजल्ट अच्छे मिल रहे हैं अगर मैं उसको तीन से चार महीने बाद परफॉर्म करूंगा तो भी मेरे को रिजल्ट जो है वो कि वो मिलेंगे या फिर कोई दूसरा एनालिस्ट दूसरी सिटी में उस मेथड को परफॉर्म करेगा तो भी वो मेथड जो है सही एक्यूरेट रहेगा तभी तो हम जानते हैं कि आईपी इंडियन फार्माकोपिया ब्रिटिश ब्रिटिश फार्माकोपिया उन सब में जो एनालिटिकल मेथड दे रखे हैं क्रोमेटोग्राफी के यूवी के वो सारे के सारे मेथड जो अपन एज ए स्टैंडर्ड क्यों लेते हैं क्योंकि वो सारे के सारे मेथड जो हैं वो वैलिडेट हो चुके हैं इट मीन्स वो वैलिडेट और स्टैंडर्ड मेथड है मतलब आप उसको कभी भी कैसे भी फॉलो कीजिए एज पर रेगुलेशन उसमें जो लिखा हुआ वो फॉलो करिए तो मेथड के क्राइटेरिया जो है वो आपको रिजल्ट जो है वो सेम के सेम ही मिलेंगे इट मीन्स द मैथड शुड बी वैलिडेट समझ में आ गई बात ठीक है तो नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर वैलिडेशन के बारे में तो कौन कौन से टाइप ऑफ जो है एनालिटिकल प्रोसीजर कौन कहते एक तो आइडेंटिफिकेशन टेस्ट ओके okay, उसको हम एल वैलिडेट करते हैं मतलब किसी भी ड्रग का आइडेंटिफाई करना उसमें प्रेजेंट है या नहीं है उस मेथड का वैलिडेशन हो सकता है नेक्स्ट कौन कौन से मेथड का वैलिडेशन हो सकता है उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं नेक्स्ट है क्वांटिटेटिव टेस्ट किसी भी ड्रग का क्वांटिटेटिव टेस्ट करते हैं उसका वैलिडेशन हम कर सकते हैं नेक्स्ट लिमिट टेस्ट का हम वैलिडेशन कर सकते हैं नेक्स्ट आता है हमारे एसे का वैलिडेशन किसका वैलिडेशन एसे का हम वैलिडेशन परफॉर्म कर सकते हैं तो ये सारे के सारे जो टेस्ट है जो एनालिटिकल मेथड है एनालिटिकल प्रोसीजर है इन सब का हम वैलिडेशन परफॉर्म कर सकते हैं ओके okay, नेक्स्ट हम बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ सर्टेन पैरामीटर टू परफॉर्म इन वैलिडेशन एज पर आईसीएच गाइडलाइन इट इज मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट कि वैलिडेशन किसी भी मेथड, एनालिटिकल मेथड को परफॉर्म करने के लिए वैलिडेशन करने के लिए आईसीएच गाइडलाइन के अकॉर्डिंग कौन कौन से पैरामीटर हैं जो कि हमको फॉलो करने हैं तो यहां पे मैं शॉर्ट में पहले एक बार बताऊंगा फिर अपन डिटेल में एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे चलिए तो फर्स्ट आता है इट शो प्रोपोर्शनली ऑफ मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम कॉन्सेंट्रेशन देखिए एकदम सिंपल फॉर्म में बताना चाहूंगा आपको यहां पे एक देखिए मैंने एक रॉ ग्राफ बनाया जिसमें मैंने कंसेंट्रेशन और एब्जॉर्बेंस के बीच में बनाया है ठीक है अब ये जो ग्राफ मैं बनाने जा रहा हूं ये ग्राफ मेरे को लीनियर मिलना चाहिए लीनियर मिलने का मतलब ये है कि जितनी मेरी एब्जॉर्बेंस जितनी मेरी कंसंट्रेशन में सॉल्यूशन की बढ़ाऊंगा उतनी ही मेरी एब्जॉर्बेंस बढ़नी चाहिए तो जो कंसंट्रेशन और एब्जॉर्बेंस है वो लीनियर चलनी चाहिए एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होनी चाहिए इट मीन्स वॉट अगर मैं टेन पीपीएम सॉल्यूशन एम सोल्यूशन का आ, आ, सॉल्यूशन का अगर मैं एब्जॉर्बेंस लेता हूँ यूवी पे तो उसका एब्जॉर्बेंस मेरे को जो है पॉइंट एट आता है तो ट्वेंटी पीपीएम का अगर मैं लूंगा तो उसका मेरे को ऑब्जॉर्वेंस है तो थोड़ा ज़्यादा आना चाहिए पॉइंट नाइन आना चाहिए तो उस हिसाब से जैसे जैसे मेरी कंसनट्रेशन बढ़ेगी सोल्यूशन की वैसे वैसे मेरा एब्जॉर्बेंस बढ़ना चाहिए मीन्स वॉट कि जो ग्राफ मेरे को मिलेगा वो इट्स शुड बी लीनियर ग्राफ तो ये हमको पहले देख के मेथड uh, वैलिडेशन में इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा नेक्स्ट बात करते हैं हम रेंज की रेंज का मतलब क्या है कि जब किसी कंसंट्रेशन इंटरवल वेयर मेथड इज प्राइज और मतलब किसी भी सैंपल को एनालिसिस करने के लिए जो हम रेंज डिसाइड करते हैं इट मींस वॉट कि वो सैंपल प्रिपरेशन है टू पीपीएम से टेन पीपीएम का हम बनाएंगे या टेन पीपीएम से हंड्रेड पीपीएम के बीच में बनाएंगे जो सैंपल एक्यूरेट बनेगा कि नहीं बनेगा मतलब जो अपना स्टैंडर्ड वैल्यू हो उसको ट्रू वैल्यू से हम कंपेयर करेंगे या फिर सीरीज ऑफ रिजल्ट हम कंपेयर करेंगे उसको हम बोलेंगे रेंज तो सेकेंड पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा रेंज थर्ड पॉइंट सॉरी यस थर्ड पॉइंट की मैं बात करूं एक्यूरेसी एक्यूरेसी मतलब हम जानते हैं एग्रीमेंट बिटवीन द मेजरमेंट ऑफ ट्रू वैल्यू प्रिसीजन एग्रीमेंट बिटवीन द सीरीज ऑफ मेजरमेंट एक दो सीरीज में लेते हैं प्रिसाइज करते हैं मैथड को नेक्स्ट लिमिट ऑफ डिटेक्शन एलओडी जिसको हम बोलते हैं इट इज अ लोवेस्ट अमाउंट ऑफ analytical that कैन बी डिटेक्टेड LOD का मतलब क्या है इतना छोटा अमाउंट एनालाइट का जिसको कि हम डिटेक्ट कर पाएंगे और LOQ क्यू का मतलब है इतना छोटा एनालाइट का सैंपल जिसको कि हम क्वांटिफाई कर पाएंगे तो एल क्यू और LOD का मतलब आपको पता चल गया होगा LOD डी का मतलब जितना लोवेस्ट लिमिट मतलब इससे कम में हम उस सैंपल को डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे तो वो हो गई LOD डी इससे कम में हम सैंपल को क्वांटिफाई नहीं कर पाएंगे वो हो जाएगी एलओक्यू क्यू देखिए एलओडी और एलओक्यू क्यू जो है उसको समझना जरूरी है, है. लिमिट मतलब इससे इस कम में सैंपल होगा तो, तो वो होगा एलओ में okay. so, आ गया नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं रब मतलब ये है रिप्रोड्यूसिबिलिटी ऑफ डेटा अंडर द नॉर्मल

चलो यहाँ तक इस लेक्चर में डिस्कस कर लेते हैं नेक्स्ट लेक्चर जो है हम अगली क्लास में पढ़ेंगे ओके सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग कीप वाचिंग कीप सपोर्टिंग और मैं बताना चाहूँगा फार्मास्यूटिकल एनालिसिस एंड फार्मा सॉरी फार्मास्यूटिकल क्वालिटी एश्योरेंस क्यू ए जो सब्जेक्ट है आपका उसके रिलेटेड मैंने मेरे प्ले में, में काफ़ी सारे वीडियो बना के रखे हैं आप जाके चेक कर सकते हैं ओके थैंक यू सो मच कीप वॉचिंग कीप सपोर्टिंग